नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। मैं हूं आपके साथ बिट्टू मिश्रा। आज की खास पेशकश महिलाओं के ऊपर। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस महिला की, जो महिला आज अपनी 50% भूमिका निभाने के लिए हर कठिन से कठिन और हर सरल से सरल परिश्रम करने को तैयार है। और ये बात कहने में कोई शक नहीं है कि महिलाएं आज अपना स्थान हर एक उस कुर्सी पर बना चुकी है जिस कुर्सी पर उसका हक होना चाहिए या नहीं भी होना चाहिए। आज वो महिलाएं उस हर एक भीड़ का हिस्सा बन रही है जो भीड़ देश को विकसित और विकासशील बनाएगा। हालांकि इसमें सरकार भी बहुत बढ़ चढ़ कर महिलाओं का सहयोग कर रही है। महिला आरक्षण के नाम पर वो महिलाओं को प्रोत्साहित कर आगे भेज रही है। लेकिन जरा सोचिए कि ये 50% वाली भीड़ आखिर कमज़ोर क्यों पड़ जाती है जब उसी की महिला जाति के साथ दुर्व्यवहार और बलात्कार जैसे मामले सामने आते हैं। क्यों चुप हो जाती हैं वो सांसद की भीड़ वाली महिलाओं की आवाज़? क्यों चुप हो जाती है वो विधायक महिलाओं की भीड़ वाली आवाज़? क्यों चुप हो जाती है वो अधिक संख्या में IPS, कलेक्टर और अन्य बड़े बड़े पदों पर बैठे अधिकारी महिलाओं की आवाज़? आखिर क्यों महिलाएं अपना स्थान हर एक जगह बना रही है? क्या सिर्फ खुद को सशक्त करने के लिए? क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं कि उनकी जाति के साथ, उनकी महिला जाति के साथ जब कोई दुर्व्यवहार करे, जब कोई घटना हो, जब कोई विपत्ति आए तो वो आवाज़ बुलंद करके इनकी रक्षा करेंगे? क्या सिर्फ हम एक कैंडल मार्च और बैनर के मोहताज हो चुके हैं? क्या हम बेटियों की इज्जत सिर्फ कैंडल मार्च और 2 दिन की पेपर की हेडलाइंस की सुर्खियां रह चुकी हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत आपत्तिजनक बात है कि जिस देश में 78 से अधिक महिलाएं सांसद में अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है और लोकसभा का सबसे बड़ा पर्व मनाकर हम उसे अपनी वोट की ताकत से सांसद भेजते हैं कि कल को वो हमारी रक्षा करेंगे। जिस राज्य में 40 महिलाएं विधायक की कुर्सी पर बैठी हुई हैं और उन्हें भेजने वाले वो भी हैं जिनकी बेटी आज न्याय की गुहार लगाते लगाते अपनी प्राण की आहुति दे दी। जिस राज्य में 40 महिलाएं विधायक के पद पर है, न जाने कई पुलिस अफसर और बड़े बड़े अधिकारी महिला उस राज्य में हैं, न जाने कई बड़े बड़े लॉयर उस राज्य में हैं जो देश और विदेश से पढ़ाई करके आते हैं, लेकिन फिर भी उस राज्य की बेटी को अन्याय की कफन में समेट कर जला दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है और कब तक होगा? क्या सरकार महिला सशक्ति के नाम पर सिर्फ प्रलोभन देती रहेगी? क्या ये महिला सशक्तिकरण खुद भी अपनी अधिकार बस इतना तक ही सीमित समझेगी कि वो बस खुद को सशक्त कर ले? क्या वो उस भीड़ का हिस्सा बनकर उस महिला जाति को न्याय दिलाने में समर्थ नहीं है? क्या हम हमेशा इसी तरह कैंडल मार्च और बैनर के मोहताज बनते रहें? क्या हर एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन बस बनकर हम रह जाएं? क्या हमारे माता पिता या फिर जिस बेटी के साथ अन्याय होता है वो वकीलों की मोटी मोटी फीस और उस न्याय की गुहार वाली मोटी मोटी फाइल कोर्ट में जा जाकर चक्कर लगा लगा कर थक कर बैठ जाएं? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है। जिस देश की सांसद में, जिस देश की लोकसभा और राज्यसभा में बड़े से बड़े बिल पास हो सकते हैं, जिस देश के राज्यसभा और लोकसभा की सांसद में कश्मीर जैसे मुद्दे और नोटबंदी कालाबाजारी जैसे मुद्दे और राम मंदिर जैसे मुद्दे हल हो सकते हैं, उस देश की राज्यसभा और लोकसभा में बलात्कार के ऊपर एक बहुत ही सख्त कानून क्यों नहीं बनाई जा सकती है और क्यों नहीं बन रही है? आखिर बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों नहीं उसके ऊपर कोई बड़ा कानून बन रहा है? क्या कोई बनाना नहीं चाहता? क्या हम बेटियों की ये बलात्कार जैसी घटना बाइक एक्सीडेंट और रोड में मर्डर होते हुए घटनाओं के जैसी रह चुकी है? क्या हमारी इज्जत के साथ इसी तरह खिलवाड़ होता रहेगा? क्या हमारे साथ, हमारी भावनाओं के साथ इसी तरह खिलवाड़ हमेशा होता रहेगा? इन सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और ये होना चाहिए। जिस राज्यसभा और लोकसभा में बड़े बड़े बिल पास होते हैं, उसी राज्यसभा और लोकसभा से केंद्र सरकार को अच्छी और सख्त कानून बनानी चाहिए जिससे